So hello everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the topic wise MCQ session of Indian Polity. And this session guys is for ASRB, AO and FNAO exam. So as you all know ki ASRB ke exam ka bhi koi date hame nahi pata hai. So you guys have ample time to prepare for the exam. Ab aap mein se jitne logon ne bhi form bhar diya hai to aapko prepare to of course karna hi hai. So aap logon ke paas bahut sara time hai to prepare for the exam and through these sessions जो भी मैं हफ्ते में ये एक सेशन आपके पास लेके आ रहा हूँ इसमें हम इंडियन पॉलिटी के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं. इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस द 10 एमसीक्यूज फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बट दैट टॉपिक गाइस इज टू वास्ट. सो इन टुडे सेशन आल्सो वी विल डिस्कस सम मोर एमसीक्यूज फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स ओनली. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन दीज सेशन आई विल नॉट ओनली टेल यू द आंसर्स. मैं सिर्फ आपको आंसर्स नहीं बताऊंगा. आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द टॉपिक. आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वेर एवर रिक्वायर्ड. Alright, so let's begin with the session. But before we begin, if you are coming here for the first time, do subscribe to the channel and press this bell icon. You can also join this Telegram group. Here you will get the PDF of this session with marked answers of the questions, and you can also ask any doubt here. So let's talk about the very first question, which says, as per the definition of Article 12 of the Constitution of India, which of the following is not a state? Alright, so Article 12. So as you all know guys, in part 3 of the Constitution of India, in part 3 which is known as Magna Carta, of the Constitution of India, from article number 12 to article number 35 there are fundamental rights. So article number 12 defines state. Article number 12 mein definition hai kiski, state ki. Now as per the article number 12 of the Constitution of India, a state ke andar kaun kaun si cheeze aati hai. Number 1, यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट. कौन कौन आते हैं? यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट. उसके अलावा नंबर 2, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आते हैं. देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. देन वी हैव लोकल गवर्नमेंट. नाउ व्हाट आर दीज लोकल गवर्नमेंट? बाय द वे दीज आर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज. आफ्टर दैट स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल IOCL हो गया, HPCL हो गया, जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं. एंड उसके बाद नंबर 5 पे एनी एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट. किसी एजेंसी को अगर गवर्नमेंट द्वारा असाइन किया गया है दैट यू विल एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, देन दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल नंबर 12. सो हियर द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट. तो पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, HPCL विच विल कम अंडर दिस कैटेगरी, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. टाटा पावर गाइज इज अ प्राइवेट कंपनी. सो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. इफ टाटा पावर इज इन एनी केस विल एक्ट एज एन एजेंसी ऑफ विल एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, देन इन दैट केस इट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, अदरवाइज इट विल नॉट. सो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर. Moving ahead to question number 2, which of the following statements is incorrect with respect to Article 20 of the Constitution of India? So I hope you all know Article number 20. Article number 20 क्या कहता है कि no person shall be convicted of any offence except for except for the violation of any law in force at the time of the commission of the act. जब मैंने कोई act किया है और उस time अगर कोई law है जो उस law के according वो act illegal है, then I will be liable for punishment. अदरवाइज आई विल बी नॉट. अगर मान लो कि मैंने आज कोई एक्ट किया, ठीक है, एज पर दिस आर्टिकल आज मैंने अगर कोई एक्ट किया एंड उस टाइम कोई उस कोई लॉ ऐसा नहीं है, देर इज नो लॉ विच इज सेइंग दैट एक्ट इज इलीगल, देन आई विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड इन द रेट्रोस्पेक्टिव केसेस, ठीक है. So we have to identify the incorrect statement. No person shall be convicted. ये तो बिल्कुल सही बात है. This limitation is imposed both on criminal laws and civil laws. No guys, this is only for the criminal laws. Civil laws can be applied retrospectively also. While criminal laws cannot be. जो criminal laws होते हैं वो retrospectively नहीं लगाए जाते हैं. Civil laws can be applied. So this statement must be incorrect. So the correct answer will be option B. But let's read out the other statements also. The protection cannot be claimed in the case of preventive detention. Yes, this is also correct. Now what is the meaning of this preventive detention? So if any person is a threat and it is you know ek
अंदाजा लगाया जा चुका है कि दिस पर्सन विल बी अ थ्रेट एंड ही विल इन फ्यूचर डू सम इन फ्यूचर ही विल कमिट सम काइंड. अगर हमें ये उम्मीद है कि इन फ्यूचर दैट पर्सन विल कमिट क्राइम, सो वी विल पुट दैट पर्सन इन टू द डिटेंशन एंड दिस इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन. लेट मी रिपीट दिस. प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है? बिना क्राइम करे किसी को डिटेन करना. इफ देर इज अ चांस दैट दैट दिस पर्सन विल कमिट अ क्राइम इन फ्यूचर, ऑलराइट, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो मैं अपने लिए ही विटनेस नहीं हो सकता. एंड अ पर्सन कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ. ऑफकोर्स अगर इफ एनी लॉ इज सेइंग दैट अ पर्सन शैल बी लायबल विद अ फाइन ऑफ ₹5,000 देन मैक्सिमम 5,000 देन डेफिनेटली ₹10,000 कैन नॉट बी चार्ज्ड एज अ फाइन ऑन दैट पर्सन. ओके, तो ऑप्शन बी हियर विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप गाइस प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्लियर है. मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं फंबल हो गया था. प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है डिटेनिंग अ पर्सन हु विल इन फ्यूचर वो कोई ना कोई क्राइम कर सकता है, इसके वजह से उसको डिटेन करके रख लिया है, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन. सो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंश्योर्स द राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन वेयर स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 एंड 14 इयर्स ऑफ एज. रिमेंबर दिस वॉज नॉट इन द आर्टिकल इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल राइट, बट आफ्टर 86th Amendment Act 2002 के बाद इट वॉज इंसर्टेड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21A. आर्टिकल नंबर 21A क्या कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा स्टेट एंड दिस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 21A द गवर्नमेंट इनएक्टेड राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009. राइट ऑफ एजुकेशन टू राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी बोल सकते हो इन शॉर्ट. एंड बिफोर दिस रिमेंबर देर वॉज एन आर्टिकल नंबर 45 इन द डीपीएसपी. दिस आर्टिकल इज स्टिल देयर बट दैट इज अंडर दैट कम्स अंडर डीपीएसपी. अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ऑल्सो द स्टेट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन हु आर बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स. ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ conscience and right to profess, practice and propagate religion freely. So as I told you for article number 25 to 28, just focus on the keywords. So is article ki main baat karun to what is the keyword? Freedom of conscience and right to profess, practice and propagate religion freely. And remember this article is article number 25. There is no need of explanation in this because this is a very direct question. Aur article number 25 se 28 tak, yani ki jo right to religious freedom hai, राइट टू रिलीजन है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे और इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, डोंट वरी. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिनाइज रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन बाय द स्टेट फंड. सो इफ देर इज एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज होली मेंटेन बाय द स्टेट फंड्स देन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल नॉट बी प्रोवाइडेड इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एंड दिस इज मैंडेटेड बाय आर्टिकल नंबर 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Again, you have to, focus on the keyword. Religious instructions in any educational institution. Agar ye keyword aapke dimaag mein hai, then you can definitely mark the correct answer. Article number 28 iska sahi jawab hai. This is also, guys, direct question. There is no need of explanation here. Question number 6. In which case, Supreme Court of India declared article number 32 as the basic structure of the Constitution of India. Now, first of all, what is article number 32? Article number 32 hai kya? Article number 32 provides the enforceability of fundamental right. It says that a person can directly move to the Supreme Court if there is any kind of violation of his or her fundamental right. Agar kisi person ke fundamental rights ka violation ho raha hai, toh that person can directly move to Supreme Court. So basically, this article provides the enforceability of fundamental right. And of course, bina enforceability ke fundamental rights dena, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है. अगर मेरे पास फंडामेंटल राइट्स हैं और उसकी कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं है तो मतलब वो तो फिर बेकार है, मत दो, उससे अच्छा मत दो, ठीक है. तो उसी एनफोर्सिबिलिटी के लिए आर्टिकल नंबर 32 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
And remember, in the L. Chandra Kumar case, L. Chandra Kumar versus Union of India, L. Chandra Kumar versus Union of India का जो केस था उसमें the Supreme Court declared that Article number 32 is the basic structure of the Constitution of India and it cannot be amended. And I hope basic structure का आपको मतलब पता है. Basic structure जो ये हमारा theory था basic structure का that was came into force from the Keshavanand Bharati case. और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था होल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बट द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड. ओके एंड उन्होंने बोला था कि ओके वी विल लेटर ऑन इन अदर केसेस विल डिक्लेयर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड विच आर नॉट. ऑलराइट सो इन द एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट आर्टिकल नंबर 32 इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ऑल्सो रिमेंबर देर इज अ केस एडीएम जबलपुर ADM जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला. ADM जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला एक और केस है शुक्ला. ADM जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट आर्टिकल नंबर 32 वुड रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी. यह नेशनल इमरजेंसी के टाइम हुआ था. आई होप आप सबको पता है दैट नेशनल इमरजेंसी में बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था एंड उसके अगेंस्ट कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है. So for that, this case was filed and in this case, Supreme Court opined that Article number 32 would remain suspended during the national emergency, which means there is no enforceability of fundamental rights if national emergency is in force. All right. So option D is the correct answer. Question number 7. Who called Article number 32 as the heart and soul of the Constitution? Very important question. And kai baar exams mein aa chuka hai and very basic question. There is no need of explanation. It is the father of Constitution of India, Dr. B.R. Ambedkar, who called Article number 32 as the heart and soul of the Constitution of India. So option A will be the correct answer. Question number 8, which of the following writs literally means to have the body of? So guys, as you all know, under Article number 32, there are 5 writs. These are the 5 writs. Here you can see in the options. Habeas corpus, mandamus, certiorari, quorum and prohibition. These are the 5 writs. And these writs can be filed if there is a violation of fundamental rights under Article 32 in the Supreme Court and under Article number 226 in High Courts. Article number 226 में High Court में जा सकते हैं और 32 में Supreme Court में directly जा सकते हैं. ठीक है. तो अब ये जो जितने भी पांचों हमारे ये हैं writs हैं इनके आपको literal meaning पता होना चाहिए and to have the body of is the literal meaning of habeas corpus. Option A is the correct answer. Habeas corpus and habeas corpus to have the body of इसका मतलब क्या है. So remember guys this writ is against is issued against that person who has detained other person. एक person है let us say there is a person A. This person A has detained this person B. ठीक है. Now this B will file this habeas corpus in the Supreme Court. ठीक है. And then Supreme Court will check the legality of this detention. ये जो detention है इसकी legality check की जाएगी. एंड देन अकॉर्डिंगली स्टेप लिए जाएंगे. अगर डिटेंशन इलीगल है इफ द डिटेंशन इज इलीगल देन दिस पर्सन विल सेट फ्री अदरवाइज इट विल रिमेन इन द डिटेंशन ऑफ दिस पर्सन ए. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हैबियस कॉर्पस. क्वेश्चन नंबर 9 विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेस्ट्रिक्ट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज पुलिस फोर्सेज पैरामिलिट्री फोर्सेज इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द लाइक. So this is again guys a very direct question. There is no need of explanation. इसमें भी आपको बस ये याद रखना है कि जो हमारे आर्म फोर्सेज है पुलिस हो गए इंटेलिजेंस एजेंसीज होगी रॉ वाले हो गए पैरामिलिट्री फोर्सेज होगी इनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर थोड़ी सी लिमिटेशन पुट की गई है एंड दिस वॉज डन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस इज अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन डैश protects the acts included in the 9th schedule from being challenged on the grounds of contravention of any fundamental right. If you want to know the 9th schedule of the Constitution of India guys then aapko maine course mein isko bahut acche se samjhaya hai. 9th schedule ki bahut achhi khasi story hai. So 9th schedule is the schedule. 9th schedule basically kyun laya gaya tha taki agar 9th schedule protects any law from the judicial review. 9th schedule protects any law from the judicial review. So article number 31B, article number 31, according to the provisions of article number 31B, any law which is put under the 9th schedule is
immune from the judicial review. However, remember this, in IR Coelho case, Supreme Court opined, Supreme Court declared that the judicial review is the basic structure of the Constitution of India. So all the laws are can be subjected to the judicial review. ठीक है, चाहे वो 9th schedule में डालो या मत डालो, ठीक है? But here the correct answer is article number 31B. And article number 31 ABC का भी बहुत ज़्यादा controversial story रहा है, और उसको भी मैंने काफी अच्छे से discuss किया है. So that was the session, guys. And if you want to buy the courses, visit twocourses.anujindan.in, and there you will get the details. अभी नवरात्रों की काफी ज़्यादा सेल भी चल रही है. देर इज अ 50% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज. ये वाले प्राइसेस नहीं है, देर इज अ 50% डिस्काउंट. यू कैन विजिट टू courses.anujindan.in एंड यू कैन हैव द एक्सेस ऑफ कोर्सेज. सो दैट्स इट फॉर द सेशन गाइज. आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मिलते हैं अगले मंडे 10 नए क्वेश्चंस के साथ ऑफ सम अदर टॉपिक. डीपीएसपी का रहेगा अगला टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली, और फंडामेंटल ड्यूटीज का भी हो सकता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.